नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएम ऑटो कॉर्नर। और आज आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी डिजायर का VXI वेरिएंट, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ है। इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाने वाला हूं कि इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इसके अंदर की तरफ। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी के डोर को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके ORBM की। तो इस गाड़ी के जो ORBM है वो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाते हैं, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके ORBM को यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली तरीके से आसानी से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपको चार पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ से आप विंडो को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसका जो इंटीरियर है वो यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर में दिया गया। ऊपर में आपको हार्ड टच दिया गया, नीचे में आपको सॉफ्ट टच का मटेरियल मिल जाता है। नीचे की साइड में आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, यहाँ पर आप 1 लीटर की पानी की बोतल को रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्पीकर लगाने के लिए ऑप्शन। बात करें इसकी सीट हाइट एडजस्टमेंट की, तो यहाँ से आप इसकी सीट की हाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा कि ये सीट जो अभी नीचे जा रही है, और यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ कर सकते हैं। यहाँ से आप सीट को पीछे की तरफ कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं आगे पीछे। और यहाँ से आप इसके पीछे वाले बूट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके फ्यूल के कैप को ओपन कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपको 3 पैडल मिल जाते हैं, यहाँ से आप इसके फ्रंट वाले बोनट को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, यहाँ से आप इसकी हेडलाइट की बीम को कंट्रोल कर सकते हैं। की बात करें तो VXI वेरिएंट में आपको कुछ इस तरह की मिलती है, जो आपको मारुति सुजुकी की सभी गाड़ियों में यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिससे आप इसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है VXI वेरिएंट में, यहाँ पर आपको टिल्ट में दिया गया है। यहाँ पर आपको सुजुकी का 3D में लोगो, यहाँ पर आपको एयरबैग मिल जाता है ड्राइवर के लिए, और यहाँ पर आपको पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर आपको एयरबैग मिलता है। साथ में यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको म्यूट का बटन, यहाँ पर आपको कॉल ड्रॉप और पिकअप की सुविधा मिल जाती है, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का बटन मिलता है। इसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको मिलता है हेडलाइट के कंट्रोल, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यहाँ पर आपको 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है मैनुअल में, जो कि एनालॉग में दिया गया है। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की इंडिकेशन लाइट, यहाँ पर आपको ABS साइड विंडो, लो फ्यूल की वार्निंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको डिजिटल क्लॉक मिलती है, यहाँ पर आपको रियल टाइम एवरेज भी देख सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो चलते समय कितना माइलेज दे रही है। यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलती है जिसके द्वारा यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिलती है, किलोमीटर की रीडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको RPM मीटर मिलता है, जिसके अंदर में आपको कुछ इंडिकेशन की यहाँ पर आपको वार्निंग मिलती हैं। इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर में मिलता है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी वुड फिनिशिंग मिल जाती है, ऊपर में आपको मैट फिनिश, और यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर की यहाँ पर आपको फिनिशिंग मिलती है इंटीरियर में। डैशबोर्ड के में यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, जिसमें आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर आपको AC का वेंट मिलता है, और ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको सेंटर की तरफ यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का स्विच, और 2 यहाँ पर आपको AC के वेंट मिलते हैं। नीचे आपको सिल्वर की यहाँ पर आपको फिनिशिंग मिल जाती है। इस गाड़ी में जो म्यूजिक सिस्टम का सेटअप दिया गया है वो यहाँ पर आपको पुरानी वाली जो वलेनो आती थी 2021 मॉडल, उसमें आपको कुछ इसी तरह का यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पर आपको सेटअप मिलता था। नीचे की साइड में आपको हीटर, AC और यहाँ पर आपको एयर के कंट्रोल मिलते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। नीचे की साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट, यहाँ पर आपको ऑक्स केबल का यहाँ पर आपको पोर्ट मिलता है, 12 वोल्ट का यहाँ पर आपको चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है। एडिशनल तौर पर थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। गियर नॉब के नीचे की साइड में आपको सिल्वर फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पर आपको 5 गियर का मैनुअल सेटअप मिलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट का भी यहाँ पर आपको इस गाड़ी में ऑप्शन मिलता है VXI वेरिएंट में। यहाँ पर आप थोड़े बहुत कॉइन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रेक की नॉब मिलती है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है, और रियर में भी आपको AC के यहाँ पर आपको वेंट देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर की साइड में ले चलता हूं, तो यहां पर आपको को पैसेंजर के लिए सनवाइजर के साथ साथ यहां पर आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं, और यहां पर आपको नाइट में यूज करने के लिए यहां पर आपको मिल जाती है 1 लैंप।
इसके साथ ही यहाँ पर आपको रियर वाला यहाँ पर आपको मिलता है मिरर, और ड्राइवर के लिए यहाँ पर आपको सनवाइजर के साथ साथ यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलते, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर आपको टिकट होल्डर का ही ऑप्शन दिया गया है। अब इसके पीछे की साइड में यहाँ से आप देख सकते हैं, पीछे में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, अंदर का जो केबिन स्पेस एरिया है वो इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है। अभी दोस्तों मैं आपको इसकी एसेसरीज की कीमत दिखा देता हूँ। तो इस गाड़ी में जो सीट कवर लगे हुए हैं वो 6,985 रुपये के हैं, जैसा कि यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्टेरिंग कवर लगा हुआ है वो 510 रुपये का है, जैसा कि यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो डोर वाइजर लगे हुए हैं क्रोम के, इसके साथ साइड मोल्डिंग लगी हुई है। यहाँ पर आपको ट्रंक एलआईडी गार्निश, टेल लैम्प गार्निश, यहाँ पर आपको टेम्पल 330 रुपये का है। इसके साथ ही फॉग लैम्प जो है वो उसके 4,490 रुपये के हैं, और इसका जो परफ्यूम है वो 1,490 का है। डोर हैंडल भी यहाँ पर आपको 1985 के लगाए गए हैं। इस गाड़ी में जो टोटल एसेसरीज लगी हुई हैं वो 25,000 रुपये की हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।